दीनन की तुम दीन हो ही जुगल किशोर महाराज, दर्शन की प्यासे प्रभु दरस दियो आज। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बुंदेलखंड के वृंदावन कहे जाने वाले जुगल किशोर मंदिर की स्थापना, मंदिर की विशेषताओं, रोचक तथ्यों और भगवान जुगल किशोर से जुड़ी चमत्कारिक कहानियों को बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पन्ना नगरी के इतिहास पर भी वीडियो बनाया है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पन्ना का जुगल किशोर मंदिर संपूर्ण देश में अनूठा है। यह पन्ना नगरी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी के अनुपम दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मुरलिया में बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे, जिसको लेकर सैकड़ों साल से यह भजन गाया जाता रहा है। जुगल किशोर मंदिर का निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेला राजा राजा हिंदूपत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान 1758 से 1778 के मध्य करवाया था। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में रखी गई मूर्ति को ओरछा के रास्ते वृंदावन से लाया गया था। स्वामी जुगल किशोर के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली को दर्शाते हैं। मंदिर में बुंदेला मंदिरों की सभी स्थापत्य विशेषताएं हैं, जिनमें एक नट मंडप, भोग मंडप और प्रदक्षिणा मार्ग शामिल है। समूचे बुंदेलखंड में यह मंदिर कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसे बुंदेलखंड के वृंदावन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। पन्ना में विराजमान श्री राधा कृष्ण की जोड़ी को ही जुगल किशोर या युगल किशोर कहा जाता है। एक जनश्रुति के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण पहले ओरछा राज्य में निवास करते थे और बाद में यहाँ विराजमान हुए। जनश्रुति के अनुसार ओरछा राज्य के राजा मधुकर शाह और उनकी प्रजा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान जुगल किशोर ओरछा राजा के गुरु पंडित हरि राम व्यास के भक्ति बंधन में बंधकर वृंदावन छोड़कर ओरछा आए थे। कृष्ण भक्ति में राजा और उनकी प्रजा इस कदर डूबी कि राजदरबार में रासलीला का आयोजन होने लगा। कहा जाता है कि महारानी कुंवर गणेशी को राजा का इस रूप में भक्ति भाव में डूबना रास नहीं आया, वे राज्य की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हो उठी। महारानी भगवान श्री राम की भक्त थीं। भक्ति के तौर तरीकों और अपने आराध्य को लेकर महाराज और महारानी में ठन गई और महारानी कुंवर गणेशी ने यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने आराध्य राम राजा को लेकर ही ओरछा वापस आएंगी। पर साथ ही यह विशेष शर्त भी तय की गई कि तब राज्य में एक ही राजा की सरकार रहेगी, अर्थात राम राजा सरकार या श्री जुगल किशोर सरकार। महाराज ने इसे स्वयं की सरकार या राम राजा की सरकार के अर्थ में लिया। जब महारानी भगवान श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई तो महाराज ने नए राजा को राज्य सौंपने के लिए अपनी राजधानी टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी, पर असल शर्त तो आराध्य देव रूपी राजा को लेकर थी, जिस पर जुगल किशोर सरकार को उनकी प्रेरणा से गोविंद दीक्षित कालांतर में पन्ना ले आए। यहाँ आने पर उन्हें विंध्यवासिनी मंदिर में अस्थायी रूप से रहना पड़ा और फिर स्थायी रूप से जहाँ विराजे उसे आज जुगल किशोर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भवन निर्माण की बुंदेली छाप लिए उत्तर मध्यकाल वास्तुशिल्प के अनुरूप निर्मित है। समूचे बुंदेलखंड वासियों के लिए भगवान जुगल किशोर का पवित्र मंदिर आस्था का केंद्र है। प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ समूचे बुंदेलखंड के श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन यहाँ जुगल किशोर सरकार से मांगने पर हर मनोकामना पूरी होती है। यह भी जन मान्यता है, चारों धाम की यात्रा की हो या किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा की हो, लेकिन लौट कर यहाँ हाजिरी नहीं दी तो सब निष्फल होता है।
मंदिर को जन्माष्टमी को लेकर आकर्षक तरीके से सजाया और संवारा जाता है। मंदिर के बाहर जहां मजदूर सजाने का कार्य करते हैं, वहीं मंदिर के गर्भगृह में करीब आधा दर्जन पुजारियों की टीम साफ सफाई का कार्य करती है। प्रतिवर्ष जुगल किशोर के लिए कपड़े वृंदावन से मंगाए जाते हैं। भगवान जुगल किशोर का यह मंदिर यहाँ साल भर में निभाई जाने वाली परंपराओं को लेकर भी चर्चा में रहता है। यहाँ साल भर में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की सजने वाली झांकियाँ आकर्षण का केंद्र होती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ मनाए जाने वाला साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली में यहाँ पूरे बुंदेलखंड से देवरी नृत्य करने वाले यदुवंशी आकर्षण का केंद्र रहते हैं, तो होली में तीज को सजने वाली भगवान के सखी भेष की झांकी और पंचमी में होने वाली टेसू के फूल और गुलाल की होली। यहाँ कभी वे एक उंगली में पर्वत उठाने वाले गिरधारी के रूप में नजर आते हैं, तो कभी भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में, कभी राधा के रूप में सजकर ग्वालनी संग गुलाल की होली खेलते हैं, तो कभी वामन अवतार के रूप में नजर आते हैं। यहाँ भगवान के दर्शन को लेकर पूरे बुंदेलखंड वासियों में असीम आस्था है। हे जुगल किशोर महाराज स्वामी दर्श हमें दे दियो। वन से आए हम सोते हुए जगाए, वृंदावन से आए हम सोते हुए जगाए, दर्शन कर रहे सुबह और शाम स्वामी दर्श हमें दे जइयो। भगवान जुगल किशोर मंदिर के पुजारी अवध बिहारी बताते हैं कि यूं तो भगवान जुगल किशोर के साक्षात दर्शन देने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां ऐसा कोई नहीं जिसने उनके चमत्कारों के बारे में नहीं सुना। ये बताते हैं कि मंदिर के पीछे एक बार बच्चे लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उनमें से कुर्ता पहने हुए एक बच्चे ने उन बच्चों को खूब पदाया था। जब उसके पदने का समय आया तो मंदिर के खुलने का समय हो चुका था। मंदिर खुलने की आहट होते ही वह बच्चा दाम देना छोड़कर भागने लगा। इस पर उसके साथ खेल रहे मोहल्ले के दूसरे बच्चों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो बच्चे के कुर्ते का एक हिस्सा बच्चों के हाथ में आ गया। गांव के बच्चे पुजारी के पास पहुंचे और कहने लगे कि एक लड़का उनका दाम देने के समय भागकर मंदिर के अंदर घुस गया है। पुजारी ने उन्हें समझाया कि अभी तो मंदिर के सभी दरवाजे बंद हैं, जब मंदिर ही नहीं खुला तो कोई बच्चा अंदर कैसे आ सकता है। बच्चे थे कि पुजारी की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बच्चों ने उसे बच्चे के कुर्ते का टुकड़ा भी पुजारी को दिखाया। बच्चों की जिद पर जब पुजारी कुर्ते का टुकड़ा लेकर मंदिर के अंदर बच्चे को तलाश रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान जुगल किशोर के कुर्ते का एक हिस्सा भी फटा हुआ है। उन्होंने जब कुर्ते के टुकड़े के भगवान के कुर्ते से मिलाया तो आश्चर्यचकित रह गए कि बच्चों के हाथ में मिला कपड़े का टुकड़ा दरअसल भगवान के कुर्ते का ही हिस्सा है। अब उन्होंने अनुमान लगाया कि भगवान ने ही बाल रूप में बच्चों के साथ खेला होगा। कुछ ही समय बाद मंदिर में हुए इस चमत्कार की चर्चा मंदिर से होते हुए शहर और फिर पूरे क्षेत्र में फैल गई। और जब भगवान ने हिम्मत दास को दिए व्यारी के दर्शन, पुजारी अवध बिहारी ने बताया कि बराच निवासी हिम्मत दास भगवान के अनन्य भक्त थे। वे भगवान की व्यारी आरती के नियमित दर्शन किया करते थे। एक बार की बात है कि बारिश के समय तेज बारिश होने के कारण वे बीच में कहीं रुक गए। इससे जब वे मंदिर पहुंचे तो भगवान की ब्यारी आरती हो चुकी थी और मंदिर के पट बंद हो गए थे। इससे भक्त हिम्मत दास बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उदास हो चुके हैं और मंदिर के गेट में बैठे हुए थे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली की तेज चमक के साथ अचानक मंदिर के पट खुल गए और भक्त हिम्मत दास को भगवान जुगल किशोर के दर्शन हुए। श्रद्धालुओं की जुबान पर भगवान जुगल किशोर के चमत्कार की दर्जनों कई कहानियाँ सुनी जा सकती हैं। भगवान का यह मंदिर बड़ा ही चमत्कारी है। कहते हैं यहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं, यहाँ लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।
मुन्ना।